हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं ट्रेड विद अरुण यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हाल ही में अगर आपने देखा होगा तो पूरे यूट्यूब पर या फिर अगर आप न्यूज़ खोलें, और चूंकि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं और यानी शेयर मार्केट में हैं, तो एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फ्लैश हो रही है। आपको बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाएंगे जिसमें दो चीज़ों पर बहुत बात की जा रही है। पहला तो है ब्रोकर्स के बारे में, यानी ब्रोकरेज के बारे में। अब ब्रोकर्स के लिए अच्छा है बुरा है, एज अ रिटेल, हम चूंकि बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर की, रिटेल ट्रेडर की, हम भी एक रिटेल ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि हमें उससे क्या फ़ायदा या फिर क्या नुकसान है। और दूसरा जो चीज़ सबसे बड़ी है दोस्तों, वो है FNO ट्रेडिंग को लेकर। और चूंकि आजकल का जो मार्केट है, जो भी डीमैट अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं और इवन ट्रेड की संख्या बढ़ रही है, ट्रेडर्स बढ़ रहे हैं, लोगों का रुझान ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसी को लेके हाल ही में अगर आप देखें तो सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवी पुरी बुच मैम, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कुछ बातों को लेकर आगाह किया गया था। और अगर आप न्यूज़ भी पढ़ेंगे, न्यूज़ अगर खोलते हैं FNO ट्रेडिंग को लेकर, तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि क्या वीकली एक्सपायरी जो है वो ख़त्म कर दी जाएंगी, मार्जिन बढ़ा दिया जाएगा, या फिर ब्रोकर्स पर जो अभी एक सेंटेंस आया है कि ब्रोकर्स को जो एक फीस जो एक्सचेंज के साथ शेयर करते थे, अब उसमें एक्सचेंज को कुछ नहीं देना होगा। तो इन सब बातों पर दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपका कमेंट भी लेंगे कि आपका इस बारे में क्या सोचना है। तो पूरा इस वीडियो को देखिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं ट्रेड विद अरुण यूट्यूब चैनल। तो अगर आप दोस्तों नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। हो सकता है दोस्तों वीडियो की क्वालिटी आपको ठीक ना लगे तो उससे मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन कंटेंट आपको सॉलिड दोस्तों मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों पहलुओं पे बात करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्टिंग से आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। तो हाल ही में अगर आप देखें तो करीब 4-5 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सेबी चेयरपर्सन की, जो मैम है माधवी पुरी बुच मैम, उन्होंने सबसे पहले ब्रोकर्स को लेकर एक चीज़ कही। तो सबसे पहले दोस्तों वो उन्होंने क्या कहा वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो पहले एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि इंडियन स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स कितने टाइप के हैं और ये करते क्या हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, अभी जो लोग नए जुड़ रहे हैं शेयर मार्केट में शायद उनको इतनी जानकारी ना हो, लेकिन दोस्तों पहले दो टाइप के ब्रोकर थे। सबसे पहले अगर बात करें तो जो कन्वेंशनल ब्रोकर या फिर फुल सर्विस ब्रोकर बोला जाता है, जैसे कि अगर बात करें शेयर खान जैसा ब्रोकर, तो और बाकी बहुत सारे ब्रोकर हैं जो फुल सर्विसेज देते थे। फुल सर्विसेज का मतलब क्या है कि आपके एक कॉल पे आपका रिलेशनशिप मैनेजर आपकी ट्रेड प्लेस करेगा, या फिर आप तुरंत उसको कॉल करेंगे, तुरंत वो फोन उठाएगा और आपसे पूछेगा बताइए क्या करना है, आपको पोजीशन लेनी है, कट करनी है, फंड निकालना है, ऐड करना है, या फिर एडवाइजरी सर्विस जो होती थी कि वो आपको रिकमेंडेशन बताएंगे कि आप इस पे ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इनको दोस्तों फुल सर्विस ब्रोकर बोला जाता था। और इसके बदले में दोस्तों होता क्या था कि बहुत हाई ब्रोकरेज चार्ज की जाती थी। जैसे आज के टाइम में आप देखते हैं कि 20 रुपये पर ऑर्डर ब्रोकरेज है, या फिर कहीं कहीं 10 भी है, 9 भी है। ऐसे ही पुराने टाइम में अभी भी दोस्तों ब्रोकर्स हैं वो वाले, ऐसा नहीं कि वो एलिमिनेट हो चुके हैं, जो कि परसेंटेज बेसिस पे ब्रोकरेज चार्ज करते थे। किसी का 0.05% है, किसी का 0.01% है, किसी का 0.1, किसी का 0.4% है, तो ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा हो जाती थी। इवन अगर आज के टाइम में उस सिनेरियो को आप कैलकुलेट करने की कोशिश करें, जो नॉर्मली आज का ऑप्शन टर्नओवर होता है वो हर ज़्यादातर इंसान का, किसी किसी का तो करोड़ों में पहुंच जाता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग भी कर रहे हैं, बाई भी, दो ट्रांजेक्शन मिला के टोटल टर्नओवर जनरेट होता है। तो अगर आप बात करें तो वो ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा बन जाती थी। तो इस तरीके से हुआ क्या कि अब फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब ब्रोकरेज बहुत हाई होने लगी और फिर डिजिटलाइजेशन का टाइम आया, कि जब अचानक से कोविड आया, कोविड के बाद जब लोगों ने देखना चालू किया शेयर मार्केट में ज़्यादा, वो उसके बाद ही इवॉल्व हुए हैं। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि अब फिर प्लेटफॉर्म आ गए कैसे, जीरोधा जैसे, ग्रो जैसे। अगर एंजल वन की भी बात करें दोस्तों तो पहले ये फुल सर्विस ब्रोकर हुआ करता था, लेकिन अब फिर बात करें तो दोस्तों डिस्काउंट ब्रोकर हुए। अब डिस्काउंट उन्हें क्यों कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने टर्नओवर पे परसेंटेज बेसिस पे कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपसे 0.1% लेंगे या 0.2% लेंगे, उन्होंने कहा, तो दोस्तों उन्होंने कहा कि हम आपसे 20 रुपये पर ऑर्डर की ब्रोकरेज चार्ज करेंगे। अब 20 रुपये पर ऑर्डर यानी कि आप ऑर्डर चाहे 1 करोड़ का लगा लीजिए एक ट्रेड में, या फिर आप 10 रुपये का ऑर्डर लगाइए, उनने कहा हम आपसे 20 रुपये ही ब्रोकरेज चार्ज करेंगे। इवन डिलीवरी पर ब्रोकरेज फ्री, जैसे कि जीरोधा में देखा होगा, एंजल मन में भी देखा होगा आपने, ग्रो में देखा होगा, डिलीवरी पर ब्रोकरेज चार्ज ना के बराबर या फिर फ्री है। तो इससे क्या हुआ कि लोग ज़्यादातर शिफ्ट यहाँ हो गए। बस इसके बदले में था क्या कि आप जो करोगे वो आप ही करोगे, कि आप उन्होंने अपना ऐप दे दिया, आप उसके थ्रू खुद ऑर्डर पंच कर रहे हैं, अपना फंड निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, जो ट्रेड लगानी है वो आप कर रहे हैं, यानी सारा काम आप कर रहे हैं। कोई एडवाइजरी आपको नहीं मिल रही है, कोई अलग से आपको सर्विसेज नहीं मिल रही कि ब्रोकर फोन करके पूछ रहा है कि और भाई क्या हाल चाल है, वैसी कोई चीज़ नहीं होने वाली। तो उसके लिए कॉस्ट कटिंग हो गई, तो ज़्यादातर लोगों का क्या शिफ्ट हो गए वहाँ से,
डिस्काउंट ब्रोकरेज की तरफ, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रोकरेज एक बहुत बड़ा पहलू है और वहीं परसेंटेज बेसिस पे ब्रोकरेज देना पड़े तो बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता था। तो डिस्काउंट ब्रोकर बहुत ज़्यादा बूम कर गए और आप देखेंगे कि जीरोधा उसमें नंबर वन बन गया था, अभी हाल ही में ग्रो आगे निकल गया नंबर ऑफ क्लाइंट्स बेसिस में। तो डिस्काउंट ब्रोकर, अब एक चीज़ सोचने वाली है कि एक ब्रोकरेज हाउस को कोई भी अपना बिजनेस चला रहा होगा, आप भी अपना बिजनेस चलाएंगे तो समाज सेवा के लिए तो करेंगे नहीं, कहीं ना कहीं से तो आपको पैसा चाहिए होगा, कहीं बिजनेस रेवेन्यू कुछ तो होना चाहिए। अब सोचिए जिसने डिलीवरी ब्रोकरेज फ्री है, जैसे एंजल में, ग्रो में या जीरोधा में, जहाँ डिलीवरी ब्रोकरेज फ्री होती थी या फिर 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से या फिर उससे भी कम जहाँ ब्रोकरेज चार्ज होती थी, तो इनका पैसा बनता कहाँ से था? तो इनका पैसा कैसे बनेगा? चूँकि इनके पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, अब लोग डिलीवरी में भी ट्रेड लगा रहे हैं, FNO भी कर रहे हैं, इंट्राडे भी कर रहे हैं, तो टर्नओवर बहुत ज़्यादा, अब जितने ज़्यादा क्लाइंट होंगे उतना ज़्यादा ऑब्वियसली दोस्तों टर्नओवर बढ़ेगा। तो अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट में भी देखेंगे या फिर डायरेक्ट अपने ब्रोकर के पेज पे जाएंगे और वहाँ पे ट्रेड एंड चार्जेस पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिखता है दोस्तों एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज का, यानी कुछ पैसा, एक तो आपकी ब्रोकरेज चलेगी, STT चला गया, एक आपका एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज भी होता है जिसको किसको जाता है वो, अगर NSE पे आप ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी वगैरह में तो NSE को जाएगा, अगर BSE पे ट्रेड कर रहे हैं तो वो BSE को जाएगा। तो दोस्तों उसमें होता क्या था कि एक्सचेंजेस कुछ डिस्काउंट देते थे ब्रोकर्स को, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा टर्नओवर हुआ, अब चूंकि आप अपने उसमें देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट नोट में तो आपको अपने हिसाब से लगेगा यार ये कितना ही रुपये हो जाएगा, लेकिन जब उसको बल्क अमाउंट में देखेंगे तो बहुत, वो एक बहुत बड़ा पार्ट होता है दोस्तों एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज टोटल अगर देखेंगे तो। तो उसमें क्या है कि एक्सचेंज कुछ डिस्काउंट देते थे, यानी कि यार जो पैसा मान लीजिए कि अगर एक दिन में किसी, ये 1 लाख में बोल रहा हूँ लेकिन 1 लाख बहुत छोटा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट बनता है कि मान लीजिए 1 लाख बन रहा है तो उनने कहा कि यार एक काम करते हैं 60%, हालांकि ये आंकड़ा मैं सही नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि उनका अलग अलग ब्रोकर के साथ जिसके जितने जाना क्लाइंट उसके हिसाब से डिस्काउंट चलता है। तो अगर बोला कि यार 1 लाख हुआ, एक काम करते हैं 40% का तुम्हें डिस्काउंट है, तो 40,000 तुम रखो, बाकी 60,000 एक्सचेंज रखेगी अपने पास। तो इस तरीके से इस स्ट्रीम से ब्रोकर्स की कमाई होती थी। और अभी हाल ही में आपने सेंटेंस सुना होगा माधवी पुरी भुज का, उन्होंने कहा कि जो भी एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज होता है, अब उनने एक्सचेंज को बोल दिया कि अब वो पूरा का पूरा एक्सचेंज ही रखेगी, ब्रोकर्स को उसमें से कुछ नहीं मिलेगा और सबको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो अब इससे दोस्तों फ़ायदा और नुकसान की बात करें तो किसका होगा, तो फ़ायदा सबसे बड़ा किसका, एक्सचेंजेस का है, यानी NSE और BSE शेयर के फ़ायदा होने वाला है इससे ऑब्वियसली, कि उनके पास पूरा पैसा आने वाला है। नुकसान किसका हो जाएगा, अब ब्रोकर्स का ऑब्वियसली नुकसान है, क्योंकि जो उन्हें डिस्काउंट की जो उनकी एक आय हुआ करती थी वो आए वहाँ से बंद हो गई। तभी अगर आप देखेंगे तो अभी जीरोधा के जो CEO हैं, फाउंडर हैं नितिन कामत, उन्होंने एक ट्वीट भी किया था कि अब इसके बाद शायद उन्हें अपनी डिलीवरी में ब्रोकरेज रखनी पड़ेगी या बढ़ानी पड़ेगी या FNO में ब्रोकरेज बढ़ानी पड़ेगी। वो क्यों बढ़ानी पड़ेगी, इसीलिए बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि भाई अर्निंग एक जगह से खत्म होगी और चूंकि आप डिलीवरी पे ब्रोकरेज ले नहीं रहे हो, FNO पे 20 रुपये पर ऑर्डर है, तो ऑब्वियसली ब्रोकर्स को भी सर्वाइव करने के लिए ब्रोकरेज बढ़ानी पड़ेगी। तो ब्रोकर्स को ब्रोकरेज बढ़ानी पड़ेगी तो अल्टीमेटली नुकसान इसमें किसका हो गया, नुकसान हुआ है रिटेलर्स का। ब्रोकरेज बढ़ेगी तो अल्टीमेटली अगर आपको मार्केट में रहना है तो ट्रेड भी करना पड़ेगा, इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, तो भैया ब्रोकरेज फिर ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो एक तो दोस्तों ये डिसीजन है, अब ये डिसीजन अच्छा है बुरा है आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, अपने व्यू जरूर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों एक तो ये चीज़ हुई ब्रोकर्स के बारे में, अब जो दूसरा पॉइंट अगर आजकल, अब चूंकि ये तो खैर ब्रोकरेज वाला पार्ट है, ये तो होना ही होना है, किसी तरीके से देखते हैं क्या होता है, कितनी ब्रोकरेज बढ़ती है वो देखेंगे। दूसरा एक जो चीज़ है जो अभी मार्केट में बहुत चल रही है कि भाई FNO ट्रेडिंग पर टैक्सेस बढ़ सकते हैं, और टैक्सेस बढ़ नहीं सकते हैं, अभी अगर कैपिटल गेन टैक्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 15% है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 10% है, यानी कि अगर आप 1 साल से ज़्यादा अपनी होल्डिंग को रखते हैं तो उस पर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आप 1 साल के अंदर ही उसको बेच देते हैं या फिर जैसे हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, तो उस पर हम 15% टैक्स देते हैं। अब दोस्तों इसका 30% होना, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अभी एक ऐसा कहा जा रहा है, बहुत सारे मीडिया में ये पब्लिश भी है, एक कमेटी बनाई गई है जिसमें ये कहा गया है कि FNO ट्रेडिंग पर थोड़ी लगाम लगाई जाए। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसको भी समझिए। अब जनरली आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे हर दिन किसी ना किसी इंडेक्स की एक्सपायरी है, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक एक्सपायरी है हर वीक में, यानी कि महीने का ऐसा कोई दिन नहीं है जहां किसी इंडेक्स की एक्सपायरी ना हो। और आपने YouTube पर भी देखा होगा, बहुत अपने दोस्तों में सुना होगा कि हीरो एंड जीरो ट्रेड का प्रचलन आजकल बहुत हो गया। हीरो एंड जीरो ट्रेड क्या है कि इसमें या तो आपका पूरा पैसा चला जाएगा या फिर उस पैसे से जो कि बहुत कम पैसा आपने लगाया होगा, आपकी नॉलेज में वो बहुत कम होगा, हो सकता है वो आपके लिए सब कुछ हो, तो वो या तो उससे बहुत बड़ा
फायदा हो जाएगा आपको या तो फिर वो पूरा का पूरा डूब जाएगा। तो इसको हीरो एंड जीरो ट्रेड कहा जाता है। और गवर्नमेंट की यानी सेबी की जो चिंता है वो इसी बात को लेके है क्योंकि एक्सपायरी के दिन ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, खासकर अगर बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी की, एक्सपायरी के दिन ये वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बहुत सारे लोग अपना पैसा गंवा रहे हैं। यानी यहाँ तक कि सेबी ने एक स्टडी भी की थी और जब आप अपना ब्रोकर का पेज खोलते होंगे तो पहले पेज पर यही लिख के भी आता है कि 10 में से 9 ट्रेडर हैं जो हमेशा नुकसान करते हैं। तो ये सेबी की चिंता है दोस्तों। लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर मैं अपना पॉइंट अगर आपको बोलूं तो मेरा मानना ये है कि जो भी ये हीरो जीरो ट्रेड कर रहा है या फिर कोई अगर रिटेल ट्रेडर है, इंडिविजुअल है, अगर वो पैसा लेके आ रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो चूंकि वो पैसा बैंक अकाउंट से उसके ब्रोकर के अकाउंट में आ रहा है तो कहीं ना कहीं उस पर वो ITR फाइल कर रहा होगा, इनकम टैक्स दे रहा होगा, तो उसके लिए वो हार्ड अर्न मनी हुआ। तो अब वो उससे पैसा अपना जीरो कर ले या फिर बहुत बढ़ा ले, इसमें गलती है किसकी? अल्टीमेटली गलती उस इंडिविजुअल की है। तो आप इंडिविजुअल को किस तरीके से ऐसे सुधारना चाहते हैं कि FNO पर अगर आप 30% टैक्स इम्पोजेस कर दें तो इसको किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, करना चाहते हैं कि इसको एज अ लॉटरी माना जाए। अब जैसे कि आप अगर ड्रीम इलेवन, आजकल चूंकि ऐड आप टीवी में देखते होंगे, ड्रीम इलेवन जो जनरली सबको करोड़पति बनने एक ख्वाब दिखा देता है, तो अगर आप उसमें जीत जाते हैं तो 30% टैक्स लगता है। सट्टाबाजी यानी लॉटरी इनकम जो होती है उसमें अगर आप पैसा जीत जाते हैं तो उस पर 30% टैक्स लगता है। तो यही कहना है कि शायद ऐसा हो कि FNO ट्रेडिंग पर 30% टैक्स इम्पोज कर दिया जाए और उसको ऐसा लॉटरी कैटेगरी में ला दिया जाए। तो अब मेरा कहना यही है, मेरा थोड़ा सा अपना पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो कि आप एक तरफ तो मार्केट में लोगों को लाना चाहते हो, उनका पैसा इन्फ्लो करवाना चाहते हो, दूसरी तरफ आप ही लोगों को कह रहे हो कि यार ये लॉटरी है, यानी मार्केट का ये वाला पार्ट लॉटरी है। यानी ये एक ऐसा लीगलाइज सिस्टम हो गया कि जिसमें से एक पार्ट इसका लॉटरी नहीं है, यानी कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो या फिर नॉर्मल ट्रेड करते हो तो वो लॉटरी नहीं है, दूसरा सिस्टम अगर आप FNO से पैसा कमाते हो तो वो लॉटरी है। हालांकि दोस्तों मैं ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि रिटेल ट्रेडर जो है वो अपना पैसा कमाए, लेकिन मेरा थोड़ा सा यहाँ सोचना अलग है। मेरा मानना है कि इंसान जो भी करता है वो अपनी खुद के लिए करता है, अगर वो पैसा बना लेगा तो उसको स्किल कहा जाएगा, डुबा देगा तो कहेंगे भाई मार्केट में था तो सट्टेबाजी में इसने अपना पैसा डुबा दिया, तो वो इंडिविजुअल की रिस्क हुई पर्टिकुलरली। ऐसे ही दोस्तों इसमें ये भी कहा जा रहा है कि अगर टैक्स की बात करें 30% टैक्स की, तो आपको मैं बता दूं कि अभी भी कुछ देशों में ऐसा है जहां 30% टैक्स लगता है, जैसे आयरलैंड की बात करें, फिनलैंड की बात करें, और अगर इवन चाइना की बात करें तो दोस्तों 20% कैपिटल गेन टैक्स वहां लगता है अभी। तो अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो चाहे दोस्तों अपने बजट में वो कर सकती है और वो हमें झेलना ही पड़ेगा। अब दोस्तों दूसरा इसमें ये कहा गया है कि जो थोड़ा सा इसका टर्नओवर वॉल्यूम कम करने के लिए एक्सपायरी दिन, अब दोस्तों दूसरा इसमें ये कहा जा रहा है कि जो वीकली एक्सपायरी हैं यानी कि जो साप्ताहिक कॉन्ट्रैक्ट हैं, यानी हर दिन जो एक्सपायर होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, उनको क्या ख़त्म कर दिया जाए और सिर्फ महीने में एक ही एक्सपायरी रखी जाए। तो दोस्तों अगर आपको याद हो, जो लोग नए होंगे उनको नहीं पता होगा, लेकिन अगर 2-3 साल बैक में हम जाएं तो पहले सिर्फ मंथली एक्सपायरी हुआ करती थी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की, निफ्टी बैंक निफ्टी की, स्टॉक की तो अभी भी सिर्फ मंथली एक्सपायरी होती है। तो पहले ये वीकली एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, तो जैसे जैसे पहले मंथली वाले से हमने जब वीकली किया गया तो उसको एडजस्ट करने में, अडॉप्ट करने में बहुत टाइम लगेगा कि भाई किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई जाए, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। जैसे तैसे वहाँ पे जाके एडजस्ट हुए, अब फिर से वही बात आ रही कि उस इन सब चीज़ों को ख़त्म करके लास्ट में सिर्फ एक ही एक्सपायरी रखी जाए तो हीरो एंड जीरो ट्रेड ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो एक तो ये कहा जा रहा है दोस्तों। तीसरी चीज़ इसमें ये कही जा रही है कि जो ऑप्शन डेरिवेटिव्स हैं, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो डेरिवेटिव सेगमेंट होता है, चाहे ऑप्शन बाइंग की बात करें, सेलिंग की बात करें, तो इसमें एक्सपायरी डे पर मार्जिन को इंक्रीज कर दिया जाए ताकि लोग हीरो एंड जीरो ट्रेड ना कर पाए। अब इसमें भी दोस्तों अगर आप दिसंबर 2020 शायद या उसके पहले की मैं बात करूँ तो दोस्तों पहले मार्जिन मिलते थे, ब्रोकर्स आपको मार्जिन प्रोवाइड करते थे, इवन FNO ट्रेडिंग में, इंट्राडे में, कैश में, सब चीज़ों में मार्जिन प्रोवाइड करते थे ब्रोकर। उसके बाद गवर्नमेंट या सेबी की बात करें तो ये अपनी पीक मार्जिन पॉलिसी लेकर आए जिसको उन्होंने 4 फेज में इम्प्लीमेंट किया। उसमें क्या हुआ दोस्तों कि अब आपको मार्जिन, अभी भी आप देखें कि निफ्टी बैंक निफ्टी पर अगर आपको ऑप्शन सेलिंग में ट्रेड करना हो या डेरिवेटिव या फिर फ्यूचर्स में ट्रेड करना हो तो करीब 1 लाख के आसपास आपको कैपिटल चाहिए होता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आप हालांकि हेजिंग बेनिफिट मिलते हैं, जो कि मैं बोलूँगा कि सबसे बेस्ट चीज़ थी कि जो हेजिंग बेनिफिट दिया गया वो आपके सिर्फ ना सिर्फ आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं, अल्टीमेटली स्टॉप लॉस भी लगवा देते हैं और आपका ज़्यादा नुकसान होने से बचा देते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ हुई। तो 2020 में जाके पहले मार्जिन ज़्यादा मिलते थे, फिर मार्जिन को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया तो उसमें एडजस्टमेंट में टाइम लग गया। अब उसके बाद भी ऐसा लगता है कि और ज़्यादा मार्जिन इंक्रीमेंट कर दिया जाए ताकि रिटेल ट्रेडर जो है वो ट्रेड ना कर पाए किसी तरीके से। अब ये बात दोस्तों किस हद तक सही है,
किस हद तक नहीं है, मतलब किस नज़र में ये सही है, वो थोड़ा सा डाउटफुल है। तो अपने अपने जो आपका जो व्यू है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों मैं भी वेट कर रहा हूँ कि बजट सेशन जब हो तो बजट में क्या क्या होता है, क्या 30% टैक्स इंप्लीमेंट होता है कि नहीं। हालांकि हाँ, जो पहला वाला पॉइंट था ब्रोकर्स के लिए, वो तो दोस्तों होने ही वाला है। अब कब ब्रोकरेज बढ़ जाए ये आपको पता नहीं चलेगा, या जब पता जब बढ़ जाएगी तब मैं आपको खुद इन्फॉर्म करूंगा यहाँ पर। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। तो दोस्तों ये मेरा आज ये दो टॉपिक पे मुझे थोड़ा वीडियो बनाना ठीक लगा कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, गुड डे।